हेलो टू एवरी वन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ दही बड़े की तैयारी हो रही है। और यहाँ देखो बड़े भी कुछ फ्राई करके रखे जा चुके हैं। इतना सब चीज़ हो रहा है तो आप सोच रहे हैं किस लिए, तो क्योंकि घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए बन रहा है कुछ स्पेशल लंच। तो यहाँ पे राइस फुला के रखा था बिरयानी के लिए। शिवानी को चाय सुबह बना के दिया था तो शिवानी पी नहीं पाई थी, तो फिर उसको गर्म करके दे रहे थे। दही बड़ा बना रहे थे, मटर पुलाव, मटर पनीर बना रहे थे। तो ये सारी चीज़ें चल रही है और आप देख रहे हो ना बहुत सारा सामान फैला हुआ है, बहुत सारा सामान आ गया था तो अभी अरेंज नहीं किए थे। मुझे लगा सबसे पहले हम लंच का तैयारी कर लेते हैं उसके बाद कुछ करेंगे। और यहाँ दही बड़ा हो रहा है, हम और रिंकी दोनों मिलकर किए थे, बहुत जल्दी हो गया था। जब किसी का सपोर्टिंग हैंड मिलता है ना किचन में तो इतना आराम लगता है कि आपको मैं क्या बताऊँ। क्या बन रहा है? दही बड़ा। यहाँ पे बिरयानी हम छौंक दिए हैं, यहाँ पे पानी बॉईल हो रहा है राइस का और यहाँ पे बड़ा है, हो गया। नीचे से देखो गर्म है ना। कांटा वाला नहीं, चम्मच लेती। हम भी ध्यान नहीं दिए, जानती है बहुत ज्यादा गर्म हो गया। हेलो टू एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सब? हम सुबह खाना बनाए हम और रिंकी मिलके, और रिंकी दिखाया जाए हम लोग क्या क्या बनाए हैं। बहुत कुछ हम लोग बनाए लेकिन हम लोग इतने बिजी थे उस समय कि हम लोग शूट ही नहीं कर पाए। तो यहाँ से दिखाया जाए, यहाँ का लाइट जलाया जाए, यहाँ का लाइट जलाया जाए। और रिंकी जी कैसा लगा आपको? अच्छा, बहुत अच्छा। काम करवाया बोलती है, बहुत अच्छा लगा हमको। तो देखते चलिए दिखाते क्या क्या बना है। वेज भी बना है, नॉन वेज भी बना है, सब कुछ बना है। और एक इंसान है जो यहाँ पे बैठा है, वो कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, लिटरली कुछ नहीं किया है। तो दो बहन दो दिन पहले अपना काम कर लिए थे। दो दिन पहले कौन सा काम कीजिए? घर सफाई। दो दिन पहले, यहाँ हर घंटे घर गंदा होता है। परसों हम घर सफाई कर लिए, बेडशीट चेंज करना, वॉश करना। लेकिन देखिए अभी भी वही बेडशीट लगा हुआ है। बेडशीट नहीं चेंज होगा, जो शिवानी बोली कि वही लगा रहेगा। तो चलिए अभी आपको हम दिखाते हैं कि क्या क्या बना है बेड में। तुम ऐसे पूरा लंबा में फैला दियो तो क्या करें। चलो रिंकी बताओ। हम दोनों मिलके बनाए, ये है मटर पनीर, ये बहुत डिलीशियस दिख रहा है। ये है दाल तड़का, ये है जीरा राइस पुलाव, और ये है लेमचा मिठाई। ये बाहर से है। हाँ, ये बाहर से है। और दिखाते हैं नॉन वेज के लिए दही बड़े। अच्छा, दही बड़ा दिखाओ। मेरा फ्रिज आज भी छोटा पड़ गया। ये दही बड़े, वाह वाह, बना। हाँ नहीं, मॉर्निंग में बनाया। और रायता सैलेड, वेरी नाइस। और दिखाती हूँ ये है दम बिरयानी, चिकन दम बिरयानी। हाँ। ये बना, इतनी सारी चीजें बनाए। पूड़ी छनाना बाकी है, पूड़ी छनाएगा। हाँ, पूड़ी बनेगा। हाँ। इसमें पूड़ी अभी हम लोग छानेंगे और यहाँ पे आटा गूंथ के रखेंगे। रखा हुआ है यहाँ पे आटा गूंथ के रखा हुआ है, पूड़ी बनेगा। सो बस यही सारी चीजें हैं। फिर आम कट करने वाले हैं और अगर देखेंगे अगर सबको मन करेगा तो हम लोग मैंगो शेक एक बनाएंगे, है ना। तो मैंगो शेक अभी ड्रिंक में बना नहीं है, बन जाएगा तो उसके लिए आराम से अच्छा वाला निकालो। सो हमारा लंच का आपने देखा, मैंने सारे तैयारी कर लिया है। फिर हुआ कि आम को आपको मैंने बताया, मैंगो वगैरह कट कर दे। मैंगो के सीज़न में अगर मैंगो ना खाया जाए तो ऐसा कुछ मिसिंग लगता है। मिठाई ना खाओ चलेगा लेकिन मैंगोज तो होनी ही चाहिए। और यहाँ पे रिंकी फटाफट से मैंगो वगैरह कट कर दी और जो लोग को आना था वो लोग तो आने ही वाले थे रास्ते में, तो मैंने बोला चलो सारा कुछ कर लेंगे तो हम लोग फ्री होकर के अच्छे सा खासा बात करने वाले थे। सो अभी हम लोग यहाँ पे जो आए थे जो लोग पार्टी में लंच पे वो चले गए और हम लोग यहाँ पे रेडी हो रहे हैं क्योंकि हम लोग अब जा रहे हैं डिनर पार्टी पे। तो आज का हमारा शेड्यूल बहुत बिजी है और बच्चा देखो, बच्चे लोग ब्लैंकेट वहाँ टांग दिया है क्योंकि यहाँ पे लोग खेल रहा था, यहाँ पूरे कपड़े पड़े हैं और यहाँ मैं
और यहाँ मैडम लोग रेडी हो रही है, तो यहाँ पे देखो ट्रे लेके बैठ गई रिंकी, क्योंकि रिंकी को आई शेडो बहुत पसंद है। शिवानी भी रेडी हो गई है और मेन स्ट्रेटनिंग के टाइम पे लाइट कर गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, बुरा। हाँ, सो अभी मेरा स्ट्रेट तो ठीक ही है, हेयर स्ट्रेट बोल रहे हैं, और बच्चों को रेडी करना बाकी है। तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं आपको हम एक बार दिखाते हैं, और रूम का हाल भी दिखाते हैं। वो डोडो यहाँ है, चलो चलो रेडी हो बोबो, अब चलो बेटा फेस वॉश कर लो, हम रेडी कर दो। हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं। चलो एक मिनट एक मिनट, हम आ रहे हैं आ रहे हैं। नहीं नहीं, फेस वॉश बस करना है, कुछ नहीं करना है बोबो। सो एक बार बच्चों को रेडी कर देते हैं, क्योंकि हम लोग का तो ऑलमोस्ट हो ही गया, बस बच्चे बाकी हैं। सब रेडी हो गया, अब हम मेरा बस एक चीज बाकी है, मेरा हेयर स्ट्रेट। रिंकी तुम कर देगी क्या मेरा थोड़ा सा? रिंकी शिवानी तो करती है मेरा। शिवानी सुनना, आओ कर दो दीदी का। तुमको नहीं होता है, तुमसे तो हम दिखाते हैं। हम लोग सब रेडी हो गए, अब आपको दिखाते हैं। कहाँ शिवानी? हाय। वाह वाह वाह। रिंकी? हाँ। हम तीनों रेडी। मोरनी आवाजों वाली। चलो ना छोड़ ना, चलो। अरे बाबा नहीं, जरूरत पड़ेगा। चलिए हम लोग रेडी हो गए, अब हम लोग बस निकल रहे हैं, बच्चों को रेडी कर दिए। ये अपना पर्स रख, चल लाओ तुमको दिखा दे। यही रही पिंकी दीदी पूरे कपड़ों के भंडारों के साथ। आ जा। और ये रही रिंकी दीदी, चल चल। शूज? ओ हो, इंडो वेस्टर्न की है ना हम लोग। क्या बेटा? हम लोग पार्टी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और हम लोग गए थे स्पेशल ओकेज़न, मौसा मौसी का अभिषेक के मैरिज एनिवर्सरी था, तो हम लोग गए थे वहाँ पे मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने, और बहुत मस्ती की। आप देख रहे हो नीचे में गेम जोन है, बच्चे यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत मज़े कर रहे हैं, और बच्चों को इतना यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ बच्चे हमारे हाथ में ही नहीं आए थे, और इवन वहाँ का जो स्टाफ था काफ़ी सपोर्टिंग था, जो हमारे तीनों बच्चों को संभाल के रखा था। तो हम लोग वही विवेक वगैरह सब बोल रहे थे, भाभी इन लोगों ने बेबी सिटिंग भी किया है, तो हम बोले हाँ उनका भी, इनको पेमेंट तो बनता ही है, क्योंकि इन लोगों ने इतना ज़्यादा संभाला है। और यहाँ पे देखो ये लोग पोलो खेल रहे हैं, बच्चे खेलने दे तब तो बच्चे खेल पाएंगे। और यहाँ पे मौसा मौसी घूम रहे हैं। पहले हम लोग सोचा कि चलो नीचे में थोड़ा एक दो गेम हम लोग खेल लेते हैं, फिर ऊपर जाके बैठेंगे, लेकिन बच्चे हमें खेलने दे तब तो हम खेल पाएंगे। तो लास्टली हम लोगों ने बोला कि चलो तुम ही लोग खेलो, हम लोग तो बस तुम लोग को देख के सुकून में है भाई, बस हमें आराम से दो। और यहाँ पे देखो कैरम बोर्ड वगैरह भी था, बहुत मज़े किए, हमें वहाँ पे वो जाना बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग फिर से जाएंगे, हम लोगों ने फिर से कुछ प्लान किया हुआ है। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इसका एक पार्ट आपको नेक्स्ट पार्ट में भी देखने को मिलेगा, केक कटिंग वगैरह। और आपको पसंद आया डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।